आखिरकार एक लंबे समय के बाद एयरटेल ने इंटरनेशनल रोमिंग प्लान में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक ए बी सी डी करके चार अलग अलग कंट्रीज की कैटेगरी थी, जिनको अब सिर्फ दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया है। नए प्लान भी लॉन्च किए हैं, उन सब के बारे में प्रीपेड कस्टमर्स के लिए बताने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। जैसे जैसे इंडियन ट्रेवलर्स की संख्या में इजाफा हो रहा है, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम कंपनीज अपने इंटरनेशनल रोमिंग प्लान में भी बदलाव कर रही हैं। एयरटेल ने प्रीपेड पोस्टपेड दोनों ही कस्टमर्स के लिए नए प्लान नई डिटेल्स के साथ लॉन्च कर दिए हैं। खासतौर पर जरूरत रहती है जब आप अपना नंबर इंडिया से बाहर लेके जाते हैं आउटगोइंग एसएमएस की, तो उन जरूरतों को भी हर एक प्लान में ध्यान रखा गया है। आपको बता दूं, यहां पर दो कैटेगरी मिलेंगी कंट्रीज की, जिसमें एक कंट्रीज में आपको यूरोप, यूएस, कैनेडा और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज मिलेंगे, जबकि दूसरी कैटेगरी होगी जहां पर कि आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव्स हैं और अफ्रीकन कंट्रीज शामिल हैं। एक दिन की वैलिडिटी वाला प्लान है 649 रुपए का, जिसमें कि आपको 500 एमबी डेटा, 100 आउटगोइंग या इनकमिंग मिनट्स और साथ में 10 आउटगोइंग एसएमएस भी आपको मिलेंगे अगर आप जा रहे हैं यूएस, कनाडा, मिडिल ईस्ट या यूरोप में। और अगर आप यही प्लान रिचार्ज करके जाते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, अफ्रीका में, तो सिर्फ आपको 250 एमबी डेटा, 50 आउटगोइंग या इनकमिंग मिनट्स और 5 आउटगोइंग एसएमएस ही मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप एक दिन से ज्यादा स्टे है, मान लीजिए 5 दिन तक रहने वाले हैं, तो फिर आप 755 रुपए का रिचार्ज करा सकते हैं। इसमें आपको मिनट या एसएमएस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ डेटा जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 GB डेटा मिलेगा, 5 दिन तक यूज कर पाएंगे मिडिल ईस्ट, यूएस, यूरोप या फिर कनाडा में। और अगर अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जा रहे हैं तो सिर्फ आपको 500 एमबी डेटा ही 5 दिनों के लिए मिल पाएगा। तीसरा प्लान है 756 रुपए का। इसमें आपको डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन आप मिनट्स का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इसमें आपको 100 मिनट्स मिलेंगे जो 5 दिन तक आपका साथ देंगे अगर आप यूएस, कनाडा, यूरोप या मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं। और अगर अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, तो फिर आपको सिर्फ 50 मिनट ही 5 दिनों के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर आपका स्टे ज्यादा है और आपकी ट्रेवल ड्यूरेशन तकरीबन 10 दिनों की है, तो फिर आपको मिलेगा 899 रुपए का प्लान। इस प्लान में आपको मिलेगा कैटेगरी ए कंट्रीज में 1 GB डेटा, 100 मिनट्स और साथ में 20 आउटगोइंग एसएमएस, काफी ज्यादा है ना। और यही प्लान अगर आप कैटेगरी 2 कंट्रीज में, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हैं, तो आपको 500 एमबी डेटा, 50 मिनट और साथ में 10 आउटगोइंग एसएमएस मिल सकेंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी 10 दिनों से ज्यादा बाहर रहने की है, तो फिर आपको सीधे सीधे मिलेगा 2998 रुपए का प्लान, जो कि आपको सीधे 30 दिनों की वैलिडिटी देगा। 30 दिनों की वैलिडिटी में आपको कमाल के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यहां पर आपको मिलेगा 5 GB डेटा, साथ में 200 आउटगोइंग या इनकमिंग मिनट्स और 20 आउटगोइंग एसएमएस कैटेगरी 1 कंट्री में। और अगर आप कैटेगरी 2 कंट्रीज में आते हैं, यानी कि अफ्रीकन या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, तो वहां पर आपको 2.5 GB डेटा और साथ में 100 मिनट्स आउटगोइंग इनकमिंग और 10 आउटगोइंग एसएमएस आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इन सारे प्लान के बावजूद, लेकिन मान लीजिए आप एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कहें, कारोबार के हिसाब से, या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको अपना इंडियन नंबर तो और भी ज्यादा लंबी ड्यूरेशन तक यूज करना होगा, तो सीधे सीधे एनुअल वैलिडिटी यानी कि 365 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान है 2997 रुपए का। इस प्लान में भी आपको कमाल के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि कैटेगरी 1 कंट्री में आपको 2 GB डेटा मिलेगा, उसके अलावा 100 मिनट्स मिलेंगे जो कि आप आउटगोइंग इनकम के लिए यूज कर सकते हैं, 20 आउटगोइंग एसएमएस भी है। और इसके अलावा अगर कैटेगरी 2 कंट्रीज में आते हैं, तो वही सिंपली आपको 1 GB डेटा मिलेगा, 50 मिनट्स मिलेंगे आउटगोइंग इनकमिंग और साथ में 10 आउटगोइंग एसएमएस भी मिलने वाले हैं। तो आपको न्यूली लॉन्च्ड प्रीपेड इंटरनेशनल रोमिंग प्लान्स के बारे में बता दिया है। पोस्टपेड के जो नए प्लान्स आए हैं, उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको बेहतर से वो सारे प्लान्स भी समझा सके। बाकी फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, तो फटाफट से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की नई वीडियो से आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे। रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।